शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती और मूल निवासियों की माँ कभी गद्दार पैदा नहीं करती, भेड़ियों से कभी चीते डरा नहीं करते और अंबेडकरवादी भाई कभी आपस में लड़ा नहीं करते। क्योंकि बहन जी और चंद्रशेखर दो हमारे बहुजन समाज के ही हैं, इनके लिए हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। 2024 में हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। इलेक्शन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसमें से अपने आप जो भी जुझारू नेता होगा अपने आप उस पद के लिए चुना जाएगा। जो पार्टी से बन के आएगा वो हमारी सेवा नहीं कर पाएगा। जो काशीराम जी का समीकरण अपनाया अगर तो बहुत जल्दी दलित प्रधानमंत्री बनेगा। चंद्रशेखर आजाद जो है वो आजकल का हीरो है पूरी तरीके से, सारे दलित समाज का और बहुजन समाज का। भाग करके कलकत्ता जाते हैं ममता बनर्जी के पास, या पहले बात नहीं करते थे, वो दिन आने वाला है कि चंद्रशेखर आजाद भाई रावण के पास में ये ऐसे ऐसे लीडर दौड़ करके आएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और इस समय तमाम लोग मौजूद हैं। तालकटोरा स्टेडियम में चमार अधिवेशन हुआ है, ऐसे में तमाम लोग क्या कहेंगे 2024 में किसके साथ हैं आप? हम अपनी बिरादरी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ है। जो हमारा परिवार जो हमें जो थोड़ा इंडिकेट करेगा उस परिवार के साथ है, अच्छे परिवार के साथ है, गंदे के लिए के साथ नहीं है, चाहे पॉलिटिकल माजरा है ही नहीं कुछ भी। बहन जी हैं और चंद्रशेखर हैं, क्या कहेंगे किसके साथ जाएंगे आप लोग? देखो जी, किसी के कुछ इस बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे हम कि किधर हैं किधर नहीं है, क्योंकि बहन जी और चंद्रशेखर दो हमारे बहुजन समाज के ही हैं, इनके लिए हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। जी जी जी, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि 2024 में हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। बीजेपी को वोट नहीं देंगे? हाँ। तो किसको देंगे फिर? हम देंगे जो हमारा 85% का जो SC और OBC है उनके कैंडिडेट को। कोई अगर थर्ड फ्रंट खड़ा होता है? बिल्कुल, कोई भी थर्ड फ्रंट खड़ा हो गया तो सारा का सारा ये समाज। अच्छा, चंद्रशेखर और मायावती जी में किसको चुनेंगे? तो अभी जो माहौल पूरा बनता जा रहा है इस देश में, क्या लग रहा है आपको? सर हम ये चाह रहे हैं कि पहले तो ये जो अनपढ़ है ना प्रधानमंत्री है, इसको चलता करें। एमए पास है? नहीं है, एमए पास कोई सर्टिफिकेट दिखाता नहीं फिरेगा। अगर मैं एमए पास हूँ, नकली सर्टिफिकेट वाला ही दिखाएगा मैं एमए पास हूँ। जी कुछ और जी क्या कहेंगे 2024 में क्या लग रहा है? ऐसा है, ये जो सरकार है ये पूंजीपतियों की सरकार समझो, गिने चुने देश के जितने भी 10 पूंजीपति है उनके इशारे पर उनके हिसाब से सरकार चल रही है। चाहे मैं देश को लूट लो, चाहे देश में किसी तरह का लाभ आने, सब उनके ऊपर निर्भर कर रहा, क्योंकि सरकार उनकी मानती है, हम पब्लिक की तो बिल्कुल नहीं मानती, ये सबको दिखाई दे रहा। तो लोग अभी एक बड़ा कयास लगा रहा है तमाम बहुजन समाज की, हमें जो है इस बार दलित प्रधानमंत्री बनाना है, कौन सा चेहरा है आपके सामने? देखो चेहरा तो इलेक्शन के बाद भी निकल के आता है, इलेक्शन से पहले भी मिल जाता है, ये नहीं कि वो पहले ही चेहरा लेकर चला जाएगा। अब देश का प्रधानमंत्री बनता है, जितने सांसद आते हैं उन्हीं में से तो निकल के आता है, या मुख्यमंत्री बनता है उन्हीं में से निकल के आता है, तो पहले तो इलेक्शन है, इलेक्शन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसमें से अपने आप जो भी जुझारू नेता होगा अपने आप उस पद के लिए चुना जाएगा। ये कोई पहले ही नहीं है कि ये प्रधानमंत्री का पहले से ही घोषणा कर दी जाए। जो भी जुझारू दिखेगा पब्लिक को, या पब्लिक हित की बात करेगा, या देश को बचाने की बात करेगा, या दिखाई देगा, तो वो अपने आप ही। तो बहुजनों की लड़ाई तो लड़ रहे हैं, चंद्रशेखर लड़ रहे हैं। देखो यह है कि माल्या इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में सबको पता चल जाएगा कि कौन कितना कारगर है, बहन जी है, चंद्रशेखर है, या और कोई है। तो मैं वही सर, बहुजन समाज में तो कन्फ्यूजन रहेगी ना फिर सर, वो किसके साथ जाए? 85% लोग हैं इकट्ठा होंगे, इकट्ठा होकर के इस सरकार को चलता करेंगे, उसके बाद जो भी हमारे सांसद चुन के आएंगे उनमें से जो अच्छे से अच्छा जो हमारी सेवा कर सकेगा उसको हम बनाएंगे। इतने सालों से किए सांसदों ने सेवा? हाँ, ये तो सारे के सारे पार्टी से बन के आ रहे हैं, जो पार्टी से बन के आएगा वो हमारी सेवा नहीं कर पाएगा। तो सर पार्टियों से ही आएंगे? और वो पार्टियों से नहीं आएंगे। और निर्दलीय आप लोग जिताते नहीं? वो नहीं, वो समाज से आएंगे।
निर्दलीय तो आप लोग जिताते नहीं है ना, 85% समाज से आएंगे वो सर, फिर वो 85% भी तो किसी पार्टी के बैनर तले आएगा। पार्टी के बैनर तले नहीं आएंगे, वो समाज के बैनर के तले आएंगे और समाज उनको बनाएगी। तो आपका कहने का मतलब निर्दलीय उम्मीदवार जिताएंगे आप? जो भी जीतेगा जीतेगा 85% में से। अब के हमारी ये रात दिन हम इसी मुंह से चलेंगे, अभी चाहे कुछ भी हो जाए, तन मन धन सब नौछावर करेंगे और 85% लोगों को हम अपने समाज के लोगों को जिता के लाएंगे। जी क्या कहना चाहेंगे आप? एक बड़ा तबका है जो बहन जी को मानता है, एक बड़ा तबका है चंद्रशेखर को मानता है, तो अगर दोनों में से चुना जाए आपको बेहतर? समाज कोशिश करेगा खुद दोनों को किया जाए, या जो भी और इस तरीके के अलग अलग ग्रुपबाजी में है तो एक समाज के सामने ये पहली चुनौती होगी कि उन सबको एक करके तभी इलेक्शन जीतने की तैयारी की जाएगी और ऐसे ही इलेक्शन जीता भी जाएगा। अगर वो इस तरीके से डिवाइड होकर के अलग अलग लड़ेंगे तो वो तो हमें भी दिखाई दे रहा कि असंभव हो जाएगा, लेकिन पहले ये कोशिश की जाएगी कि उनको एक मंच पर लाया जाए, उनके पद उनके जो भी उनके अंदर वो अपने अहंकार भरे हुए हैं उसको छोड़कर के समाज हित की बात करेगा, समाज उसके फेवर में जाएगा, उसी को अपना नेता चुनेगा। तो अब तो चंद्रशेखर भी खुल के मैदान में आ रहे हैं सर। देखो ऐसा है, चंद्रशेखर भी एक अपनी जगह बना रहा है और वो भी समाज हित की बात करता है। जो भी एक अब रही बात आगे की, एक मंच पर आकर के जो लड़ेगा जो समाज हित में काम करेगा उसी को एक नेता के रूप में दर्जा दिया जाएगा। मैं बिल्कुल उसी को चुनेंगे जो समाज हित की बात करेगा, उसी को हम अपने नेता मानेंगे। समाज हित की बात तो सभी लोग कर रहे हैं सर, करते हैं, यही नहीं करते हैं, वो अपने हित की बात करते हैं। कौन है जो नेता आज की तारीख में, जैसे कि आप 133 रावले जी हैं आज है, वो केवल अपने हित की बात करते हैं, समाज हित की कोई बात नहीं करते। और जब समाज हित की बात करता था तो महाराष्ट्र के अंदर 5-6 इनके पार्षद होते थे, 8-10 MLA भी होते थे और 2-4 MP भी होते थे, लेकिन आज वो इकल्ला है और इकल्ला ही रहेगा और समाज इसको जूते मारेगा। विपक्ष की जितनी पार्टियों के बीच में सामंजस्य बना पाए, जितनी पार्टियां देश में विपक्ष की मोदी के खिलाफ वाली, अगर वो सारी एक हो जाती हैं तो नेचुरली ये काम पॉसिबल है। अगर एक नहीं हुए तो फिर नहीं। कौन किसकी अध्यक्षता में होना चाहिए? देखो अध्यक्षता वगैरह नहीं, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बने जिसमें हर स्टेट का एक सीनियर लीडर लिया जाए, या उस जो और जो प्रभावी लोग हैं उसके अलावा वो लिए जाएं, 20 या 25 लोगों की नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बने और वो डिसाइड करे बाद में प्रधानमंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। वो चाह रहे कि प्रधानमंत्री हो बहुजन समाज का। 2024 में अगर ना भी आया तो बहुत नज़दीक वो तारीख है जबकि दलित प्रधानमंत्री ज़रूर आएगा। जैसे कौन आ गया, गुजराल आ गया, चंद्रशेखर जी आ गए, नहीं था बहुमत फिर भी आ गए, और आपके क्या कहते हैं दूसरे ये अपने प्रतापगढ़ के जो थे जिन्होंने बाफोर्स केस उठाया था वो आ गए, तो ऐसे कर कर के समीकरण बन कर के जो काशीराम जी का समीकरण अपनाया अगर तो बहुत जल्दी दलित प्रधानमंत्री बनेगा। 85% की बात, 85% से भी आगे 90% की बात है, 85% तो कहने की बात है, तो ये तो 90% है। अब तो दूसरे जाति के लोग भी बहुजन समाज में आ गए, लेकिन धरातल पे नरवरे साहब ये दिख नहीं रहा है। धरातल पे दिख रहा है आपको जो सपना? देखो है काशीराम जी का धरातल पे इसलिए नहीं दिख रहा है कि जैसे ओबीसी है ना, ओबीसी के पीछे मुस्लिमों की बहुत भीड़ दिखती है, लेकिन जब वोट का बात होती है तो कुछ भी वोट नहीं होती। इसी तरीके से हमारे समाज को अभी ये इस बात का एहसास नहीं हुआ कि हमें वोट वहीं डालनी है जहाँ डालनी चाहिए। ये दूसरी शक्तियों की जो है ना, दूसरी पार्टियों को मजबूत करते हैं, लेकिन अपने भाइयों के जो पार्टियां हैं, चाहे वो भीम आर्मी है, चाहे BSP है, चाहे कोई और है, उनका हाथ मजबूत ना करके दूसरों का मजबूत करते हैं, ये सबसे बड़ा कारण। चंद्रशेखर और मायावती में कौन किसको चुनेंगे सर आप? चंद्रशेखर आज़ाद को,
चंद्रशेखर आजाद जो है वो आजकल का हीरो है पूरी तरीके से, सारे दलित समाज का और बहुजन समाज का आज हीरो बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? इसलिए बना हुआ है कि उसने जो है ना लाठियां खाई, जेल गया, सब कुछ सारी बात, और 17-18-20 मुकदमे उसके ऊपर, फिर भी जेल जाने से नहीं डरता, जगह जगह रैलियां। अब 12 फरवरी की भोपाल में रैली देखिए आप, उसके बाद में जो है ना धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के वहाँ से बागेश्वर धाम में देखिए, 16 तारीख की उससे पहले एक दिन यहाँ देखिए सिटी फोर्ट में, फिर भद्रक में देखिए राजस्थान में, कितनी कितनी बड़ी बड़ी रैलियाँ तो अभी हो रही हैं, और इतनी इतनी बड़ी जिसमें लोग ज़्यादा शिरकत कर रहे हैं भीम आर्मी के। और बीएसपी के लिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता, आधार है उसका, लेकिन फिलहाल जो है ना वो बिल्कुल गुमसुम है। क्या रीज़न हो सकता है? रीज़न तो बहुत सारे हैं उसके, बताइए थोड़े से भाई, तमाम लोगों को पता तो लगे। बहन जी का एक्टिव ना होना नंबर एक, लेकिन अब तो गांव चलो अभियान चल रहा है बीएसपी का, अभियान चल रहा है लेकिन एक्टिव नहीं है, बात तो वही है। अभियान चला दो और एक्टिवनेस उसमें होना, कुछ भी जान उसमें होना तो क्या होगा, वो कुछ नहीं बात है जी। क्या एक बात और कहूँगा, देखिए तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि कारवा क्यों लुट रहा है, समझे ना, जिस समाज में इतने लीडर हो, इतने रहबर हो, वो समाज क्यों पिट रहा है ये बताइए मुझे जी। ये बताएंगे क्यों पिट रहा है। फिर दोबारा कह दूं, तू इधर उधर की ना बात कर, ये कारवा क्यों लुट रहा है, समझे ना, जिस समाज में इतने रहबर हों, इतने लीडर हों, वो समाज अभी भी क्यों पिट रहा है जी। हाँ जी, आपके इस मीडिया के माध्यम से मैं तो ये बताना चाहता हूँ, काशीराम साहब ने भी बताया था कि जिस समाज की मतलब देश में सत्ता नहीं होती जी, थोड़ा आगे जी, जी। जिस समाज की सत्ता नहीं होती उसका शोषण होता है, जिसकी सत्ता होती है उसके साथ कोई शोषण नहीं करता है। लेकिन जो काशीराम साहब ने जो बड़े संघर्ष के बाद बहुजन समाज पार्टी का जो निर्माण किया था, उस पार्टी को, उस विचारधारा को आज बहन जी ने दूर मतलब उस छोड़ दिया है, और उस विचारधारा के छोड़ने से आज बहुजन समाज पार्टी इस हालत में पहुंच गई कि आज उसकी पार्टी से कोई चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। तो एक राष्ट्रीय पार्टी होते हुए, इस देश की तीसरे नंबर की पार्टी होते हुए आज उसकी ये हालत होगी, ये दुर्दशा होगी, क्योंकि उसने अपनी विचारधारा को छोड़ दिया, उन लोगों को पार्टी से निकाल दिया जो लोग इस पार्टी के पिलर थे, उन पिलरों को निकाल दिया, तो वो छत तो गिरनी थी, तो वो छत गिर गई, तो अब जो है ढांचा खड़ा है और उस पार्टी में बचा कुछ नहीं। शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, और मूल निवासियों की माँ कभी गद्दार पैदा नहीं करती, समझे ना, गद्दार पैदा नहीं करती। और भेड़ियों के डर से भेड़ियों से कभी चीते डरा नहीं करते, और अम्बेडकरवादी भाई कभी आपस में लड़ा नहीं करते। तो देखिए अम्बेडकर भाई कभी आपस में लड़ा नहीं करते। अभी अभी है, मेरी एक बात और सुन लीजिए, अभी ये तारीख अभी बहुत जल्दी आने वाली है, तारीख नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश भाग करके कलकत्ता जाते हैं ममता बनर्जी के पास, या पहले बात नहीं करते थे, वो दिन आने वाला है कि चंद्रशेखर आज़ाद भाई रावण के पास में ये ऐसे ऐसे लीडर दौड़ करके आएंगे, दौड़ करके आएंगे। मैं मेरी बात लिख लीजिए, ना आए तो मेरे को बता देना भाई आप वहाँ पे ये बात कह रहे थे, ना आए तो बता देना, हाँ या याद रखना, ये चंद्रशेखर रावण के पास आएंगे दौड़ दौड़ करके। चंद्रशेखर रावण नहीं जाएगा, समय नहीं होगा, समय नहीं दे सकेगा, लेकिन ये आएंगे और उनके उसमें बैठेंगे ड्राइंग रूम में कि हमसे बात करो, ये दिन आने वाला है। हमारा समाज जागृत हो चुका है, वही मैंने जो बात कही है। तो बहुजनों की माताएं कभी गद्दार नहीं पैदा करती हैं, ऐसे तमाम नारे आप सुन रहे हैं यहाँ पर, और मैं तालकटोरा स्टेडियम में हूँ, यहाँ पर एक बड़ा अधिवेशन बुलाया गया था। खैर अधिवेशन कैसा रहा वो तमाम खबरें आप देख लेंगे, लेकिन इस समय 2024 को लेकर बहुजन समाज एक आस लगाकर बैठा हुआ है कि आने वाले वक्त में उनका एक प्रधानमंत्री भी होगा, जो तमाम चीज़ें हैं और संविधान है जो अभी तक अभी पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ इस देश में, वो संविधान ज़रूर लागू होगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।